आपके अपने YouTube चैनल अपनी एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा आठवीं के विज्ञान विषय का छठा अध्याय दहन और ज्वाला। तो चलो बच्चों मिलकर सीखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दहन की। जैसा कि हमारे इस पाठ का शीर्षक है दहन और ज्वाला, तो सबसे पहले हम दो बातें सीखते हैं, दहन क्या है और ज्वाला क्या है। तो दहन की परिभाषा के अनुसार दहन क्या है? दहन एक रासायनिक प्रक्रम है जिसमें कोई दहनशील पदार्थ, जिसे हम दाह्य पदार्थ भी कहते हैं, जिसमें कोई दहनशील या दाह्य पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जल जाता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है। क्योंकि यह दहन में ऊष्मा मुक्त होती है, इसीलिए दहन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। देखिए, यानी किसी भी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ जल जाना दहन कहलाता है। जिस प्रकार कोयला आता है, कोयले का संकेत क्या है? कार्बन सी, और इसको ऑक्सीजन का संकेत होता है, ऑक्सीजन का संकेत होता है O2। तो कोयला ऑक्सीजन के साथ मिलकर के CO2 बनाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बोलते कार्बन, ये हो गया ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में क्या मिला? ऊष्मा। ठीक है, तो ये क्या है? दहन। ये क्रिया कौन सी कहलाएगी? दहन क्रिया कहलाएगी। तो ये कहता है कि दहन एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है? जिस भी अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है उस अभिक्रिया को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, जितने भी जलाने की प्रक्रियाएं हैं, जो भी चीज हम अपने सरल भाषा में समझने का प्रयत्न करते हैं, किसी भी पदार्थ का जलना ही विज्ञान की भाषा में दहन कहलाता है। ठीक है, और दहन एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, इसीलिए दहन के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे हम अपने घरों में बहुत सारे कार्य करने के लिए कोयला जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, डीजल पेट्रोल जितने भी प्रकार के पदार्थ हम इस्तेमाल करते हैं, वो जलने पर क्या करते हैं? ऊष्मा जरूर उत्पन्न करते हैं। तो ऊष्मा उत्पन्न करने वाली ऐसी अभिक्रिया, ठीक है, जिसके साथ कोई पदार्थ ऑक्सीजन से साथ ही है रासायनिक अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है, दहन कहलाता है। आगे ये कहता है, हमने एक पदार्थ यहाँ एक शब्द भाषा में है कि दाह्य पदार्थ या दहनशील पदार्थ क्या होते हैं। तो यहाँ हमने बताया है कि दाह्य पदार्थ वे पदार्थ जो ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया करके, ये जो अभिक्रिया है ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। आपने कक्षा सात में पढ़ा भी होगा ना, जब कोई पदार्थ किसी पदार्थ के अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके कोई नया पदार्थ बना देता है, उस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्योंकि यहां देखिए, कार्बन और नए ऑक्सीजन के साथ क्रिया की और CO2 यानी एक नया पदार्थ बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो इसलिए हमने कहा है कि वे पदार्थ जो ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया करते हैं, ठीक है, तो क्योंकि नया पदार्थ बनेगा इसके परिणाम स्वरूप, तो इसलिए हमने शस्त्र इस्तेमाल किया, रासायनिक क्रिया करके उस जल जाते हैं और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, दाह्य पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, जैसे इसने उदाहरण दिया है लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, LPG और CNG। यहाँ पे LPG का मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो रसोई घर में हम गैस इस्तेमाल करते हैं, L से लिक्विड, P से पेट्रोलियम, G से गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस, और दूसरा था CNG। CNG का पूरा अर्थ है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और इसको निर्बोध है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और मैग्नीशियम रिबन मैंने लिखा है आपको कुछ समझाने के लिए। तो ये सब क्या है? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जल जाते हैं और बहुत ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। बहुत सारे जो दहनशील पदार्थ हैं उनमें जब जलते हैं तो ऊष्मा तो अनिवार्य रूप से उत्पन्न करते हैं, साथ ही साथ कुछ पदार्थ प्रकाश भी उत्पन्न करते हैं, जिसको मैं आगे विस्तार से आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं आगे ईंधन के बारे में। ठीक है, ईंधन क्या है? वे पदार्थ जिनका उपयोग हम घरों, वाहन या उद्योगों में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए करते हैं, ईंधन कहलाता है। जैसे लकड़ी, कोयला, डीजल, मिट्टी का तेल जिसको हम केरोसिन भी कहते हैं। यानी ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए जिस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, उद्देश्य क्या है? ऊष्मा उत्पन्न करना। ठीक है, तो जो पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं ईंधन।
ठीक है, उसको क्या होता है ईंधन। जैसे घरों में खाना पकाने के लिए अगर हम बात करते हैं ग्रामीणांचल में, तो वहां क्या करते हैं लकड़ियों से या कोयले का इस्तेमाल किया जाता है उष्मोत्पन्न करने के लिए, और शहरों में जो एलपीजी गैस है और सीएनजी गैस है इसका इस्तेमाल किया जाता है खाना पकाने के लिए। तो ये क्या हो गया ईंधन। आपने देखा होगा प्राचीन समय में, आज के दिन तो वैसे बंद कर दिया गया है, मिट्टी के तेल को कैरोसिन ऑयल भी बोलते हैं। पहले स्टोव आते थे जिनके अंदर कैरोसिन डाल करके जिनको जलाया जाता था उष्मा उत्पन्न करने के लिए घरों में इस्तेमाल होती थी। ठीक है, क्योंकि ये जीवन जमीन धन उपलब्धता कम है और इसके अंदर उपयोग बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो मिट्टी का तेल है वो रॉकेट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, तो इसीलिए इसको सामान्य लोगों की पहुंच से अब बंद भी कर दिया, कुछ पर्यावरण की दृष्टि से भी ऐसा किया गया है। अब हम बात करते हैं कि भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है, भौतिक अवस्था के आधार पर जो ईंधन है उनको हमने तीन प्रकार से बांट दिया है। वो कौन सी है, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैसीय ईंधन। ठोस ईंधन क्या होता है, ईंधन जो ठोस अवस्था में होता है, यानी भौतिक अवस्था तीन है, ठोस, द्रव और गैस, सामान्यतः तीन है, वैसे तो पांच होती है, एक प्लाज्मा अवस्था होती है और वो बाद की बातें, चलिए अभी हम बात करते हैं मुख्य रूप से तीन अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस। अगर हम ईंधन की बात करते हैं, जिस ईंधन का हम इस्तेमाल करते हैं वो ईंधन तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, तो अगर वह ठोस अवस्था में है तो हम उसको बोलते हैं ठोस ईंधन। जैसे जो ईंधन ठोस अवस्था में होता है लकड़ी और कोयला, ये अवस्था के अगर हम बात करते हैं तो ये ठोस अवस्था में है, तो इसलिए क्या हुई ये ठोस ईंधन। अगला होता है द्रव या तरल, क्योंकि द्रव का दूसरा नाम क्या है तरल, द्रव का पर्यायवाची क्या है तरल, तो जो ईंधन द्रव या तरल अवस्था में होता है उसको बोलते हैं द्रव ईंधन। जैसे डीजल और पेट्रोल जिसको हम अपनी गाड़ियों में वाहनों में इस्तेमाल करते हैं। अगला है हमारा गैसीय ईंधन, ईंधन जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, गैसीय अवस्था में जैसे एलपीजी, अभी मैंने बताया था लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसको सामान्य रूप से रसोई गैस भी बोलते हैं, और सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो वाहनों में भी इस्तेमाल होती है, घरों में पाइपलाइन के द्वारा, जो बात के गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य में यहाँ प्राकृतिक गैस के भंडार है, तो उनको पाइपलाइनों के द्वारा घर घर तक पहुंचाया गया है, दिल्ली में कुछ क्षेत्रों में इसको पहुंचाया गया है। तो ये तो हमारा कि दहन क्या है और दहन के बाद दाह्य पदार्थ क्या आता है और ईंधन क्या आता है। अब हम एक बात और विशेष बताते हैं आपको, ईंधन क्या है, दाह्य पदार्थ क्या है, यह सब जान लेने के बाद अब हम बात करते हैं एक विशेष टॉपिक की। यही बताया है कि सभी ईंधन दाह्य पदार्थ हैं, लेकिन सभी दाह्य पदार्थ ईंधन नहीं है। देखिए क्या बात बताई इसने, बड़ी विशेष बात कि सभी ईंधन तो दाह्य पदार्थ हैं, लेकिन सभी दाह्य पदार्थ ईंधन नहीं है। तो अभी मैंने जैसे पहली बात बताई थी कि जिस पदार्थ का इस्तेमाल हम घरों में और कारखानों में या उद्योगों में हम ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए करते हैं, जो सस्ता है और पर्यावरण हितैषी है, विशेष बात यह रखिए जो पर्यावरण हितैषी है उसे हम ईंधन कहते हैं, ठीक है, स्रोता से उपलब्ध होता है। तो ये भी बात परिभाषा में मैं नहीं बता पाया था, तो जो पर्यावरण हितैषी भी है उसको हम बोलते हैं ईंधन के ईंधन, ठीक है। तो यहां जितने भी पदार्थ हैं जो जल सकते हैं वो तो ईंधन है ही, और वो दाह्य है, जो जल सकते हैं वो क्या होते हैं हम दाह्य है, लेकिन वो जलने के बाद ऊष्मा उत्पन्न देंगे, उनका उपयोग ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए करना सुरक्षाजनक है वातावरण की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, तो ही वो ईंधन कहलाते हैं, अन्यथा वो ईंधन नहीं कहलाते या वो बहुत अधिक कॉस्टली होते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे मैग्नीशियम की तार होती है, मैग्नीशियम की तार जल जाती है इसलिए दाह्य है, लेकिन ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आप देखते हैं दिवाली पर छोटे बच्चों को पटाखे जलाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं फुलझड़ी लेते हैं, फुलझड़ी जो है वो जलने लगती है, जल जाने के बाद वो उष्मा भी उत्पन्न करती है, प्रकाश भी उत्पन्न करती है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम ईंधन के रूप में नहीं कर सकते, क्योंकि इसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में करना स्वास्थ्य की दृष्टि से और पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित नहीं है। तो ये बात एक सोचने की है कि जितने भी पदार्थ हैं वो जो दाह्य हैं सभी के सभी ईंधन नहीं हैं, ठीक है, किंतु कुछ पदार्थ जो ईंधन, जितने भी पदार्थ हैं जो ईंधन है वो दाह्य जरूर है। तो ये बात यहाँ पे क्लियर होती है। अब हम बात करते हैं अगले क्रियाकलाप के बारे में। ये क्रियाकलाप कहता है कि सारणी बनाइए, सारणी में विभिन्न पदार्थों के नाम लिखिए
जो भी आपके आसपास आपको दिखाई देते हैं उन सभी पदार्थों के नाम लिख करके और उनकी पहचान करो कि वो पदार्थ दाह्य है या अदाह्य। दाह्य का मतलब क्या होता है? जो पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जल जाते हैं उन्हें हम दाह्य पदार्थ कहते हैं, किंतु जो पदार्थ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नहीं जल सकते उनको हम अदाह्य पदार्थ कहते हैं। तो यहां मैंने सारणी बनाई है, ये हमारा एक पहला क्रियाकलाप है। इस सारणी में हमने सबसे पहले क्या किया है, यहाँ पे क्रम संख्या लिखी है। सारणी का पहला जो कॉलम है उसमें हमने क्या लिखा है, क्रम संख्या। दूसरा है पदार्थ का नाम, ठीक है। और तीसरे कॉलम में हमने लिखा है किस स्तंभ में दाह्य है या अदाह्य है, दाह्य है। और चौथे में लिखा है अदाह्य है। देखिए सबसे पहले क्रम पे हमने किसको लिखा है, लकड़ी को। यहाँ ही कहता लकड़ी, क्योंकि हम जानते हैं सभी अच्छे से लकड़ी जल जाती है, इसका दहन किया जा सकता है, तो इसलिए ये दाह्य पदार्थ हुआ। यहाँ पे आप इसको राइट क्लिक कीजिए और अदाह्य पे आप क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे पदार्थ की। दूसरे पदार्थ का नाम क्या है, कोयला। वो कोयला भी क्या है, हमने देखा है कोयला जल जाता है और इसीलिए ये अदाह्य नहीं है, ठीक है। अगला है ईंट। ईंट को देखते हैं अपन, ईंट को हम जला नहीं सकते इसलिए ये दाह्य नहीं है, ये क्या है, अदाह्य पदार्थ है। अगर हम बात करते हैं प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक जल जाता है, ज्यादातर प्लास्टिक जल जाते हैं, हर प्लास्टिक जले अनिवार्य नहीं है लेकिन ज्यादातर प्लास्टिक जल जाते हैं। मेलामाइन नाम का एक प्लास्टिक आता है जो जिसको हम बोलते हैं अग्निशह प्लास्टिक, यानी ये आग में आसानी से जलता नहीं है। कौन सा, मेलामाइन। मेलामाइन जो आग बुझाने वाले विभाग में जो दमकल कर्मी होते हैं, दमकल, दम का मतलब अग्नि को ही बोलते हैं, पर्यायवाची है, दमकल कर्मी यानी आग बुझाने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी जो वेशभूषा है वो मेलामाइन, उनके ऊपर मेलामाइन की परत चढ़ी होती है जिससे वो सुविधा के साथ आग में जा सकते हैं और कुछ समय के लिए, और वो जलते नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये प्लास्टिक जो है ज्यादातर तो दाह्य है, ठीक है, लगभग दाह्य है, लेकिन सभी प्लास्टिक दाह्य नहीं है, कुछ प्लास्टिक ऐसे भी है जो अदाह्य है लेकिन ज्यादातर है, इसलिए हमने दाह्य को किया तो ये अदाह्य नहीं हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने सिर्फ चार लिखा आपको समझाने के लिए, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया है। तो अभी आपका ये होमवर्क है, आप बच्चे ऐसे एक सारणी बनाइए अपनी नोटबुक में, और उस सारणी में आपके घर में विभिन्न प्रकार के जितने भी पदार्थ हैं, कम से कम 10 या 20 पदार्थ जो अलग अलग प्रकार के हैं उनको लेकर के, और आप ये देखिए कि वो दहनशील है या नहीं। जैसे लकड़ी की मेज है, दूसरा आप स्टील की कोई बर्तन है जैसे रसोई के जो दले या नहीं, ये आपका काम है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब दूसरा क्रियाकलाप है हमारा दूसरे क्रियाकलाप में भी ये कहता है सारणी बनाइए जिसमें विभिन्न पदार्थों के नाम लिखो जो दाह्य है। सारणी में विभिन्न दाह्य पदार्थों के नाम लिखिए और ये बताइए कि क्या ईंधन के रूप में उपयोग होता है। हमने बताया था कि पदार्थों का जल जाना उनको दाह्य बताता है, यानी कोई पदार्थ अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जल जाता है तो वो पदार्थ क्या है, दाह्य पदार्थ। लेकिन वह उपयोग ईंधन के रूप में होता है या नहीं है, क्योंकि ईंधन क्या है, जिस भी किसी पदार्थ को जला करके उससे ऊष्मा उत्पन्न करना सुविधाजनक, सरल और स्वास्थ्य और पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित है, हम उसे ही ईंधन कहते हैं। तो हमने यहाँ इसको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है, पहला जो हमारा क्या है, लकड़ी। लकड़ी क्या है, लकड़ी एक दाह्य पदार्थ है क्योंकि लकड़ी जलती है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखते ही है कि लकड़ी का इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया भी जाता है, तो ईंधन क्या आ गया, एक दाह्य पदार्थ हो गया, सॉरी लकड़ी क्या आ गया, ईंधन। लकड़ी एक दाह्य पदार्थ है जिसका इस्तेमाल हम ईंधन के रूप में कर सकते हैं और ये आसान और सुविधाजनक भी है। दूसरा हमारा एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। ये क्या है, हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली द्रवित पेट्रोलियम गैस है, जो सिलेंडर आते हैं रसोई घर के, वो इसका इस्तेमाल हम क्या है, ईंधन के रूप में करते हैं। अगला है हमारा प्लास्टिक। देखिए प्लास्टिक को आप जला सकते हो, प्लास्टिक जलता भी है, लेकिन प्लास्टिक का उपयोग ईंधन के रूप में नहीं कर सकते, क्योंकि जब प्लास्टिक को जलाया जाता है तो अनेक प्रकार के विषैली गैसें उत्पन्न होती हैं जो स्वास्थ्य की दृष्टि से और पर्यावरण की दृष्टि से ऐसी नहीं है, इसीलिए इनका जलना तो एक अलग बात है, ये जल जाते हैं लेकिन इनका इस्तेमाल ईंधन के रूप में नहीं होता है, इसलिए तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नहीं, ठीक है, क्रॉस लगाएंगे। अगली बात करते हैं रबड़, ठीक है।
रबर ऐसा पदार्थ जो जल जाता है, इसका इस्तेमाल हम ईंधन के रूप में कर सकते हैं या नहीं कर सकते? देखिए मैं बताता हूं, सामान्यतः ये हमारे घरों में इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है, लेकिन ईंधन का इस्तेमाल जो अंतरिक्ष यान है रॉकेट प्रोपेलेंट में, ठीक है, आप बड़ी कक्षा में जाओगे तो जो अंतरिक्ष में विभिन्न प्रकार के जो उपग्रह है, जो कृत्रिम उपग्रह, मानव निर्मित उपग्रह है, उनको अंतरिक्ष कक्ष में भेजने के लिए जिन वाहनों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें हम अंतरिक्ष वाहन कहते हैं, और इन अंतरिक्ष वाहनों में ये रबर का इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जाता है, ठीक है, वहां ये इस्तेमाल करने लायक है लेकिन यहाँ नहीं। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। सामान्यतः घरों में इसका इस्तेमाल नहीं करते, सामान्यतः घरों में इसका इस्तेमाल नहीं करते। कुछ इंडस्ट्रीज में भी रबर का इस्तेमाल किया जाता है, बड़ी हैवी जो बड़े विशाल जिनमें भट्टियां होती है वहां पर रबर का इस्तेमाल, प्राकृतिक रबर भी प्राकृतिक रूप से मिलता है। कुछ पौधे होते हैं जो रबर उत्पन्न करते हैं, जिनका जिनमें से निकलने वाला जो दूध है उससे रबर बनता है, लैक्टिक, तो वो एक प्राकृतिक पदार्थ हुआ, इसलिए इतना तक गंभीर नहीं है। प्लास्टिक जो है वो एक प्राकृतिक नहीं संश्लिष्ट पदार्थ है, और इसके जलाने से ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, प्रकाश भी उत्पन्न होता है, लेकिन ये सुरक्षित नहीं है, इसलिए इसको हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन जो प्राकृतिक रबड़ है उसको प्राकृतिक होने की वजह से जब उसको जलाया जाता है तो वो इतना विषैला नहीं होता जितना प्लास्टिक होता है। इसका इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन सामान्य घरों में इसका इस्तेमाल नहीं होता। ये आज के लिए इतना ही बहुत है, अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं अगला टॉपिक लेकर के इसी पार्ट का। बने रहिए, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक छात्रों तक इसको पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए अत्रि एकेडमी चैनल पर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक